आपकी ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जोया चाहेगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आप ही देखो, बिलाल को अभी जोया के हवाले से बहुत से मामलों पे अश्योरिटी देना होगी, क्योंकि जोया तुम्हारे घर के माहौल और उस घर में बिल्कुल अनफिट है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोशिशों का नतीजा उल्टा निकल आए। अरे रहने दो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोहब्बत का मामला है, तुम नहीं समझोगी। वो सुना है ना तुमने कि किसी ने महल छोड़कर झोपड़े को अपना मस्कन बना लिया, तो किसी ने तख्त ताज को छोड़ के जंगलों में पनाह ले ली। मोहब्बत की करामात है, तुम नहीं समझोगी। देख लो, हमारे तो अपने घर में इतनी मिसालें मौजूद हैं। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला सिर्फ एक ही मंत्र है, इश्क का मंत्र। मान गई, मोहब्बत ने तुम्हें फलसफा सिखा दिया, लेकिन आप इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन नहीं है। देख लो, तुम अभी भी जल्दबाजी कर रही हो। बिलाल के बहुत रिश्ते आ रहे हैं आजकल, और मेरी सास के डिमांड्स और ताने बहुत ठंडे पड़ गए आजकल, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं नाराज हो गई तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, और मैं इस बात का पूरा फायदा उठाऊंगी। आप ही जिस रिश्ते में खुदगर्जी और लालच शामिल हो, वो रिश्ता कभी पायदार नहीं हो सकता, और जो रिश्ता ना पायदार हो उससे कब तक फायदा उठाया जा सकता है? ओ बीबी, कौन सी दुनिया में जिंदा हो तुम? ये किताबी फलसफा ना सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है, और वैसे भी जोया मेरे लिए सिर्फ एक ATM कार्ड ही समझो तुम, बस। जोया इतनी भी आसान नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। जो भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उसको शादी के लिए मनाओ। वैसे तो वो मानी हुई है। हाँ, आपने उसका अच्छा वाला रूप ही देखा है अब तक। डराओ तो मत, वैसे भी आज मुझे दो दो खुशखबरियां मिली हैं और मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी कौन सी? उधर वलीद की अम्मी अबू मान गए, इधर हमारे, और कल जब वो आएगा ना तो कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। ये ना हो कि अब्बू नाराज हो जाए तुमसे, समझ रही हो ना? और अम्मी, अगर अम्मी नहीं मानी तो पूरी दुनिया भी हाँ कर दे, मैं भी हाँ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी और अम्मी की ना कभी भी समझ में नहीं आती। तुम और अम्मी हमेशा सिर्फ वो ही क्यों देखते हो जो नजर आता है? जरा गौर करो, जब ये रिश्ता हो जाएगा तो अम्मी की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी अब्बू की नजर में। तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो? जो मैके के वो ताने हमेशा सहती रही हैं अब्बू से, वो खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ, जरा सोचना इस बारे में। और हाँ, कल वलीद आ जाएगा तो अच्छे से तैयार हो जाना, जहनी तौर पर भी, समझ रही हो ना?